हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय। आज हम एक्सेल का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने वाले हैं। क्वेरी हमारे पास क्वेरी ये है कि ये लिस्ट है और ये लिस्ट में से यूनिक वैल्यू फिल्टर करना है। तो इसमें से जैसे अभी ये लिस्ट है, लिस्ट में से ये 23 वैल्यू जो है कि ये 23 ये लिस्ट में कहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये अकेली वैल्यू है। तो यहाँ पर ये 45 वैल्यू यहाँ पर रिपीट हुई है और 3-4 बार रिपीट है। तो ये रिपीटेड वैल्यू मुझे नहीं लेना है, हमें ये लेना है यहाँ से ये 23 जैसी जो वैल्यूज है लिस्ट के अंदर। अगर बहुत सारा डेटा है और वो वही डेटा में से यूनिक वैल्यू हमें अगर फिल्टर करके निकालना है तो ये कैसे होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो इसमें देखते हैं कि ये वैल्यूज के अंदर ये डेटा मुझे सिलेक्ट करना है। ऐसा सिलेक्ट करो, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पर यहाँ जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज ये क्लिक करता हूं। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जो डुप्लीकेट वैल्यू है लिस्ट के अंदर वो हाईलाइट हो जाता है। देखो ये लिस्ट के अंदर 45 डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट वैल्यूज रेड हो गए, यानी कलर आप चूज कर सकते हैं, येलो करना है देखो येलो कलर हो गया। देन जैसे भी कलर आपको लेना है आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू भी, आप यूनिक के ऊपर अगर लिया तो जो यूनिक है वही वैल्यू डिस्प्ले हो जाता है। तो ये इसमें से दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डुप्लीकेट लेता हूँ, डुप्लीकेट लेने के बाद ओके कर देता हूँ, यानी 45 ये वैल्यू डुप्लीकेट हो गई। यहाँ पर आप सिलेक्ट करके फिल्टर लगा दो, फिल्टर यहाँ पर ये फिल्टर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से फिल्टर, फिल्टर लगाने के बाद ये फिल्टर टैब आ जाएगा और फिल्टर में से मुझे ऐसा सॉर्ट करना है जो, देखो यहाँ पे जो कलरलेस है, कलरलेस वैल्यू यूनिक है तो हमें कलरलेस वैल्यूज पहले सॉर्ट करना है। तो ये नो फिल, देखो ये है यूनिक वैल्यूज, आप इसे कॉपी करके कंट्रोल सी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी जो मेथड है, दूसरा जो मेथड आप चेक करेंगे, अभी मैं इसे फिर से अंडू कर देता हूं, ये होगा फ्रेश वैल्यू। मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स, देन डुप्लीकेट वैल्यूज। यहां पर ये डुप्लीकेट के बजाय मैं यूनिक ले लेता हूं और यूनिक जो भी वैल्यू यूनिक है उसे कौन सा कलर देना है ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूं, देन प्रेस ओके। तो ये हो गया, ये जो वैल्यूज जो कलर्स अवेलेबल है ये है यूनिक रिकॉर्ड्स और जिसे कलर्स नहीं है ये है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूं, इसे सिलेक्ट करके यहां पर फिल्टर लगा देता हूं और ये फिल्टर में से सॉर्ट, आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ये सॉर्ट हो जाता है, यानी रिकॉर्ड एक के नीचे एक आ जाता है। फिल्टर बाय कलर, जो भी कलर आपने अप्लाई किया ये कलर यहां पर डिस्प्ले हो जाता है। ये हो गए अपनी यूनिक वैल्यूज। ऐसे आप यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। बहुत सारा डेटा अगर है, अभी एक्सेल यूजर को बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड में से यूनिक रिकॉर्ड निकालना है या डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालना है, तो आप ये फीचर easily use कर सकते हैं। So guys, I hope you like this video. ऐसे ही छोटे छोटे tricks अगर आपको सीखने हैं तो मेरे channel को subscribe करो। Thank you. Thanks for watching.